नोएडा सेक्टर 63 कोतवाली क्षेत्र के छिजारसी स्थित ओयो होटल में महिला की हत्या की खबर सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार मृतका और आरोपी होटल में मिलने आए थे। आरोपी महिला का रिश्तेदार है। शुक्रवार रात 8 बजे दोनों होटल गए थे। वहां किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। महिला के सिर और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। दोनों मूल स्वरूप से इटावा के रहने वाले हैं। मृतका के पति की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महिला आरोपी से 8 साल बड़ी है। पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या किसी धारदार हथियार से करने की आशंका है। मृतक महिला की पहचान अनीता और आरोपी की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है। कल दिनांक 31 मार्च को थाना सेक्टर 63 क्षेत्र अंतर्गत आरजे विलेज ओयो होटल के एक कमरे में एक 38 वर्षीय महिला की लाश मिलने के संबंध में इनके पति श्री राजेंद्र बाबू, जो कि मूल निवासी भरथना इटावा के हैं और इस समय यहीं पर चोटपुर जो थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में ही क्षेत्र है वहीं पर निवास करते थे, इनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटनास्थल निरीक्षण किया गया और इसमें अब तक की जो जांच हुई है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि इस महिला का जो एक प्रेमी सोनू कुमार है वो भी मूल निवासी इटावा का है और यहाँ पर सेक्टर 63 में बहलोलपुर में रहता था और दोनों लोग ये मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। ये इस महिला को कल लगभग 11:30 बजे लेकर के इस होटल में आया, कमरा बुक कराया और उस होटल में ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसी बीच सोनू कुमार की जो शादी तय हुई है एक लड़की से, उसका फ़ोन उसी बीच आया। उस फोन के आने पर मृतका ने इसका विरोध किया, दोनों के बीच कहाँ सुनी हुई विवाद पड़ा और सोनू कुमार ने उस कमरे के ही वॉशरूम में एक कटर नुमा हथियार से जो है उसकी हत्या कर दी। उसके गर्दन पर घाव है। इस संबंध में जो भी अब तक की जांच की गई है उससे यह स्पष्ट हुआ है कि दोनों लोग चूंकि एक ही जनपद के थे और सोनू कुमार ही इनको यहाँ ले करके आया था 2-2.5 साल पहले और इसका इनके साथ काफ़ी समय से संबंध था दोनों का आपस में। घटना के समय दोनों का जो विवाद हुआ उसी के परिणाम स्वरूप उसने उस कमरे में हत्या की वॉशरूम में। सोनू कुमार को आज प्रातः गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में और उसके विवाद की पृष्ठभूमि के बारे में पूरी पूछताछ उससे की जा रही है। इस संबंध में जो शेष विधिक कार्रवाई है वो भी शीघ्र संपन्न की जाएगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से अमर सैनी की रिपोर्ट।